मामला मुसाझाग थाना क्षेत्र का है, जहां खेत से फूल तोड़ने के दौरान नाबालिग दलित किशोर के साथ एक समुदाय के द्वारा दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसके विरोध करने पर ब्लेड से उंगलियां काट ली। नाबालिग किशोर ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया। वहीं मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने मामले को दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। वहीं आरोपी फरार बताया जा रहा है। इंद्रपाल, क्या हुआ? हमारा जो मेरा भाई है कुलदीप, ये फूल तोड़ने के लिए गया था खेत पर, तो वहाँ पर जो है उसने जो है पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद में अंगूठे से मुंह बंद कर रखा था और जो है उसको धमकी दी थी, बोले काट देंगे, उंगली ब्लेड था उसके पास में, उंगली में मार दिया और जो है गंदे काम करना चालू कर दिए, कच्छा उतारा और जो है कच्छा उतारने के बाद उसने अपना काम शुरू कर दिया। फिर जो टट्टी जो मतलब खून भी आया रास्ते से, टट्टी रास्ते से उसके साथ टट्टी भी थी और मैं जो है वहाँ से जो ये लड़का किसी तरीके से भाग आया, घर आया था उसने, इसने अपनी मम्मी को बताया था, बोले ऐसे ऐसी बात हुई थी, उसने बताई थी अपनी मम्मी के लिए। कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई जो है अंदर लोग बैठे हैं, हम अंदर तक नहीं पहुँच पाए, अभी हम बाहर बैठे हैं और जो हमारे मामा हैं वो अंदर हैं।